तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नायक। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारहाट कार्तिक उराव हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज से किया था। ये मेरा कॉलेज है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज का वीडियो का रिव्यू इसलिए मैं लेकर आया हूं कॉलेज को लेकर, चूँकि आफ्टर आप जितने भी 12 के विद्यार्थी हैं वे सभी अपना 12 कम्प्लीट करने के बाद जितना हो सकेंगे तो वो तो कॉलेज में ही एडमिशन करेंगे। तो आप सभी को जानना आवश्यक है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर होगा। तो आपके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी कॉलेज को लेकर, वे सभी चीज़ें आप समझ पाइए। तो चलिए फिर वीडियो पर बने और कॉलेज के पूरे रिव्यू को समझते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा कॉलेज बनारहाट कार्तिक उराव हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में कम्प्लीट किया था। तो दोस्तों, कॉलेज का नाम ऊपर देख सकते हैं। तो अभी हम कॉलेज के अंदर गेट से इन हो रहे हैं। तो ये दो गेट है यहाँ पे, फर्स्ट है यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आएंगे तो उनके लिए छोटा वाला गेट, तो यहाँ पे गाड़ी उड़ी जाने या फिर आप भी जा सकते हैं तो उसके लिए गेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के बैठने के लिए यहाँ पे एक जगह बनाई गई है। मैं आप सभी को अपने कॉलेज को लेकर फुल्ली रिव्यू दिखा रहा हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी जब भी आइए तो यहाँ पर आप सभी को किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह गाड़ी पार्किंग के लिए जगह है, आगे स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं। तो आज जो कुछ स्पेशल ओकेजन था तो इसी कारण मैं आप आया, तो सोचा कि आप सभी को ज़रूरत होगा तो मैंने यह वीडियो आपके लिए ही बनाया हुआ है। तो ये हमारा कॉलेज काफ़ी शानदार, बनारहाट कार्तिक उराव कॉलेज। इसी कॉलेज से हमारे नॉर्थ बंगाल की टॉपर भी निकली थी 2019 के बैच में, हिंदी ऑनर्स की थी। तो दोस्तों, अभी मैं कॉलेज के अंदर प्रवेश करूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब बाहर बैठे हुए हैं, जिनका क्लास नहीं है तो वे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं ऐसे ही। तो आगे चलते हैं। तो ये मेन गेट है कॉलेज का, जो कि ऑफिस, प्रिंसिपल के रूम और एक्सेट्रा जितने भी क्लासेस है तो वहाँ तक जाकर खुलते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर, कुछ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, अंदर चलते हैं फिर। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज स्पेशल ओकेजन है तो सभी गर्ल्स यहाँ पे काफ़ी शानदार अपने ड्रेसअप पे। तो ये हम लोग इन हो चुके हैं कॉलेज के अंदर, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा ऑफिस रूम और इधर में है प्रिंसिपल रूम, देख ही सकते हैं। तो टीचर्स के लिए जो भी काउंसिल यहाँ पे होते हैं। और आगे का रूम दिखा देता हूँ, हेड क्लर्क के लिए ये जगह है। तो स्टूडेंट, आप सभी जितने भी 12 के विद्यार्थी हैं या फिर कोई भी पेरेंट्स जो कि कॉलेज को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो यह बेटर जगह है। तो मैं इसी के चलते यह वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सभी रूम्स हैं जो कि अवेलेबल है बच्चों के क्लासेस के लिए। तो दोस्तों, ये इधर का पार्ट, उधर का मैंने अभी दिखाया आप सभी को, तो ये अभी मैं इधर आ चुका हूँ। तो ये प्रोफेसर का रूम है, तो मैं दिखा देता हूँ मेरा क्लास कहाँ पे होता था। तो क्लासेस जो पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स स्टूडेंट थे तो यहीं पर आके हम लोग जाते थे और अपना क्लासेस जो भी होते थे उनको पूरा करते थे। अब ये देख सकते हैं आप, हिंदी का क्लासेस यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे बेटर एटमॉस्फेयर है। और कुछ चीज़ें यह खासा ध्यान रखी गई है कि बच्चों को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए प्रोफेसरों ने अपने डिपार्टमेंट के जो भी नाम होंगे तो उसको यहाँ पे के अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर देख सकते हैं हिस्ट्री क्लासेस हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स सब बैठे हुए हैं। अभी टीचर नहीं आए होंगे तो हिस्ट्री का क्लासेस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे किसी को असुविधा ना हो, कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार का। तो मैं आप सभी क्लासेस दिखा देता हूँ, बेटर एटमॉस्फेयर के लिए क्लासेस की सुविधा बेटर है। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, बेटर फैसिलिटीज, तो अपने बच्चों को यहाँ पे आप करा सकते हैं एडमिशन। मैं आपको ले चलता हूँ अभी लाइब्रेरी रूम की तरफ। तो यह हमारा लाइब्रेरी रूम है। तो अभी लाइब्रेरी से हम लोग इस तरफ आ गए हैं, आगे की तरफ ये सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर में जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है।
कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई है, बस जब मैं पढ़ता था तो उस समय कुछ रूम्स को खोले नहीं गए थे, पर अभी देखने को मिलता है कि बेटर फैसिलिटीज़ के साथ सभी रूम खुल चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एटमोसफियर है। तो दोस्तों ये है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, अगर सर से आपको संपर्क करना है तो यह डिपार्टमेंट में आप आके पूछ सकते हैं। जो भी रिलेटेड टीचर होते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है बनारहाट कार्तिकराव हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज, लिस्ट ऑफ टीचर्स डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और नीलम मैम हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैंने भी उन्हीं के अंतर्गत अपना क्लासेस को पूरा किया। आज टीचर भी थे और बेहतर पढ़ाने में एकदम बहुत ही बेहतर थे। तो इसी के साथ दोस्तों यह है फिलोसफी का डिपार्टमेंट, तो इससे रिलेटेड टीचर्स यहीं पे आके बैठते हैं, उनका यह केबिन है, तो यहाँ पे आके बैठेंगे तो आपको जो भी समस्या होगी तो आप इसके अंतर्गत आकर यहाँ पे टीचर से सलाह मशवरा जो भी होगा आपका समस्या वो कर सकते हैं। तो यह हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, काफ़ी बेहतर नज़ारा है, बेहतर कॉलेज है, जो भी फैसिलिटीज है स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। होली के शुभ अवसर पर आज कॉलेज में भी एक होली फंक्शंस रखा गया है, जिसके अंतर्गत अभी विद्यार्थी एवं टीचर्स मिलकर होली खेलेंगे, बस यही है। और यही एक ओकेज़न जिसके चलते मैं यहाँ पे आया था और सोचा आप सभी को इसका रिव्यू भी देता चलूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए यह चीज़ काफ़ी मायने रखती है आने वाले समय के लिए। तो ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, तो इधर से देख सकते हैं आप नज़ारा कितना बढ़िया है, एकदम बहुत ही बढ़िया। आप कॉलेज के इस नज़ारे को देखकर ही एक महसूस कर सकते हैं कि कितना फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। मैं बस अभी सीढ़ी से उतरने वाला हूँ, नीचे जा